नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे रिलेटेड टू ऑल एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो, यहाँ जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पटवार से। आपका जो कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं या कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो कर रहे हैं पटवार भर्ती परीक्षा से। पटवार भर्ती परीक्षा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हमको एक बार गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा इसके कोर्सेज का। रेलेवेंट जो संबंधित फैकल्टीज है वो आपको बताती जाएगी अपने अपने टॉपिक्स का, अपने अपने सब्जेक्ट्स का, लेकिन मुझे जो बताना है वो बताना है आपको इंग्लिश के बारे में। मैं आपको जो टॉपिक या सब्जेक्ट स्टार्ट करवाऊंगा वो कराऊंगा इंग्लिश। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तो कंफ्यूजन है, हमें ये लगता है कि ये तो हमको समझ में आएगी नहीं। अगर हम पहले इसके कोर्स को पढ़ें या कोर्स को एक बार देखें कि कोर्स में एक्चुअली आता क्या है या क्या क्या इसके कोर्स में है, तब हमको आइडिया लगेगा कि हमको किस अकॉर्डिंग इसमें आगे बढ़ना है। अगर हम इसके कोर्स को पढ़ें तो पहले तो ये कि हम जो पहली ये आज का सेशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम बेसिक इंट्रोडक्शन का, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस। हम पहले अपना सिलेबस या पाठ्यक्रम पढ़ना चाह रहे हैं कि उसमें एक्चुअली क्या क्या है। अगर जैसा आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहला जो आपको कोर्स मिलेगा, आपके टॉपिक मिलेगा, उसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका फर्स्ट और थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम हिंदी में बोलते हैं अपठित गद्यांश। ये हम स्कूल में भी पढ़ के आए हुए हैं। इन्हीं को हम अनसीन पैसेजेस बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया होगा, उसके चार या पांच क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे। पूरा के पूरा देखा जाए तो पूरा के पूरा टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस का टॉपिक है। हम बात कर लेंगे वो तो इसको कैसे कैसे करना है। सेकंड जो आपका दिया हुआ है कोर्स में, वहां दिया हुआ है फाइंड द एरर, जिसे हम कॉमन एरर बोलते हैं। दोस्तों कॉमन एरर जो टॉपिक है, कॉमन एरर में जितनी भी इंग्लिश की ग्रामर है, अंग्रेजी की जितनी भी व्याकरण है, वो कॉमन एरर में पूछी जाती है। कॉमन एरर में पूछने का मतलब है आपका जितना भी टॉपिक है, जैसे कि नाउन, प्रनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रिपोजिशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके कॉमन एरर में पूछे जाते हैं। कॉमन एरर के क्वेश्चंस कैसे अचीव करने हैं, कैसे हमें देखना है, ये भी हम एक बार चेक करेंगे। जैसे एक सेंटेंस दिया होता है आपको और एक सेंटेंस में वो गलती करके देगा आपको बताने के किस भाग में गलती है, इसी को दोस्तों कॉमन एरर बोलते हैं। क्लियर है? तीसरा जो आपका सेशन है, तीसरा जो आपका टॉपिक है जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है दोस्तों, आपने सुना होगा, एंटोनिम एंड सिनोनिम। एंटोनिम एंड सिनोनिम की बात करें तो एंटोनिम का मतलब दोस्तों विलोम शब्द, जो हम हिंदी में भी पढ़ते थे, सेम इंग्लिश में भी आपको एंटोनिम्स जानते हैं जानने हैं विलोम शब्द। दूसरी बात करते हैं सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का मतलब दोस्तों पर्यायवाची या समानार्थी अर्थ, समानार्थी शब्द है पर्यायवाची। अब जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके उसमें दिए हुए हैं कोर्स में, कॉमन एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चौथा जो आपका सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये चार टॉपिक आपको इंग्लिश में दिए हुए हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है आपके बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, आपको बेसिक इंग्लिश सीखने की जरूरत है। चौथा जो पार्ट है आपका वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में मुहावरे व लोकोक्ति, मुहावरे व लोकोक्ति। मुहावरे और लोकोक्तियां जितनी भी हैं वो आपके आती हैं दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस में। क्लियर होगी होगी मेरी बात? अब इसको एक बार और ढंग से देखते हैं कि कितने कितने सेशंस आपको ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, कितने कितने सेशंस की आपकी क्लास होगी इन सब में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप पैसेज भी बोल रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पांच सेशंस हमको यहां ऑनलाइन में कवर करने हैं। पांच सेशंस मेरे को लगता है सफिशियंट है आपके पटवार भर्ती परीक्षा के अकॉर्डिंग। दूसरी बात करते हैं कॉमन एरर, जिसमें सारी ग्रामर आती है, बेसिक नाउन, प्रनाउन, टेंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारी। इनके जो सेशंस होने चाहिए दोस्तों वो होने चाहिए 20 के आसपास सेशन आपके इनके आएंगे। दूसरी बात करते हैं दोस्तों एंटोनिम्स सिनोनिम्स, पांच सेशन इसके और पांच सेशन इनके। यहाँ सेशन का मतलब बिल्कुल भी आर से नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग इन सेशंस डिजाइन कर रहे हैं। सेशंस का मतलब हो गया कि आपको पांच सेशन मिलेंगे
ईडियम फ्रेजेस के 5 सेशन मिलेंगे, एंटोनिम सिनोनिम के 20 सेशन आपको मिलेंगे, कॉमन एरर्स के, और 5 सेशन मिलेंगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। इस अकॉर्डिंग हम इस पटवार भर्ती की इंग्लिश को कवर करना चाह रहे हैं। क्लियर दोस्तों? बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है आपका, बहुत ज़्यादा विस्तृत आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको आएगा, और जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। क्लियर सभी का? तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब है मुहावरे और लोकोक्तियां, ऐसे तो ये कई बुक्स में दिए हुए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको हम लिंक करके याद करें। लिंक करके कैसे याद करते हैं? या हमें एक ही ईडियम याद करनी पड़े और साथ में दो ईडियम और याद हो जाए, ऐसे कुछ तरीके हम यहाँ ईडियम फ्रेजेस में जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो बिल्कुल कॉपी पेन आप उठा लीजिए और जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही है उनको लिखते जाइए, समझते जाइए, और अगर जरूरत पड़े आपको तो बीच बीच में वीडियोस को पॉज करें और उस चीजों को लिखें। क्लियर? मोबाइल आपके हाथ में है, लैपटॉप आपके हाथ में है, वीडियोस को आप पॉज कर सकते हैं और जो भी कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको लिख सकते हैं, और दोबारा भी समझना हो तो आप वापस रिवाइंड करके भी समझ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब है दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियां। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां। अब इनमें जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी वो सारे डिस्कस करने हैं। क्लियर? अब एक मैंने अभी आपसे बात की कि हम कनेक्ट कर करके इनको याद करेंगे। अब ये कनेक्ट करना क्या होता है एक बार ये समझते हैं। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे बालों को हेयर बोलते हैं, HAIR। अगर सफेद बालों की बात की जाए तो कई लोगों को गलती हो जाती है, कई लोग बोलते हैं इसमें व्हाइट हेयर, सुना होगा आपने व्हाइट हेयर। अब अगर इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्हाइट हेयर नाम का इंग्लिश में कोई टर्म ही नहीं है, मतलब ये कोई वर्ड ही नहीं है, है ना। अगर बात करें कि बाल सफेद हो रहे हैं, बाल सफेद होना, तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है ग्रे हेयर। ठीक है? अब ये ग्रे हेयर का करना क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा अपने वीडियो में। जो इंग्लिश में वर्ड है वो है ग्रे हेयर, है ना। अब अगर देखेंगे आप तो ग्रे हेयर का मतलब आपको समझ में आएगा सफेद होना, सफेद बाल होना। क्लियर है दोस्तों? अब ग्रे हेयर से हम कौन कौन से वर्ड है जो कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। 3 या 4 में आपको ईडियम या फ्रेजेस आपको इसी से याद करवाऊंगा। क्लियर? अगर ग्रे हेयर की बात कर रहे हो और आपको पता लग गया कि यार ग्रे हेयर मतलब बालों का सफेद होना, बालों का सफेद होना, कई कई आपने शैम्पूज के ऊपर भी लिखा हुआ देखा होगा कि इट अवॉइड्स ग्रेइंग ऑफ हेयर। इट्स अवॉइड ग्रेइंग ऑफ हेयर का मतलब है ये बालों को सफेद होने से बचाता है। ये छोटी छोटी बातें अगर ये आपके दिमाग में याद आ जाती हैं तो एंड तक क्लिक करती हैं। क्लियर? अब ग्रे हेयर का मतलब आपको समझ में आ गया दोस्तों, सफेद बाल। क्लियर? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ईडियम यहां से याद होगी, टू गो ग्रे। देख पा रहे हैं आप, ईडियम है आपकी टू गो ग्रे, टू गो ग्रे। अब गो मतलब जाना और ग्रे मतलब आप जानते हैं कि सफेद बालों के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। अब टू गो ग्रे का मतलब है, टू गो ग्रे मतलब सफेद बाल हो जाना, या आप कह सकते हैं वृद्ध हो जाना। आप क्या कह सकते हैं? वृद्ध हो जाना, टू गो ग्रे। अब आपको यहां से एक ही सेकंड में एक मुहावरा याद हो गया हमेशा के लिए, टू बिकम ओल्ड। क्या याद हो गया आपको? टू बिकम ओल्ड। टू बिकम ओल्ड का मतलब दोस्तों वृद्ध हो जाना, वृद्ध हो जाना। आपके एग्जाम में जो वो पूछेगा आपको वो ये करके देगा और ये वाली चीजें पूछेगा, तो हमें धीरे धीरे करके हैबिट में लाने कि इनको इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर इसकी हिंदी देखेंगे आप, लिखते जाना है आपको, तो इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग आएगा ये वृद्ध हो जाना या बुढ़ापे में आ जाना या वृद्ध हो जाना। अब आपको एक जिंदगी भर के लिए एक मुहावरा याद हो गया, टू गो ग्रे मतलब वृद्ध हो जाना या टू बिकम ओल्ड। समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात? दोबारा देखते हैं। अब जब हम वृद्ध हो जाने की बात कर ही रहे हैं तो आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग ईडियम याद करवाता हूं मैं। पहला आप ध्यान से सुनेंगे, इवनिंग ऑफ लाइफ। देखो इसका एक शाब्दिक अर्थ करते हैं, इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन की शाम, लेकिन मुहावरों की एक खास बात है, इनका कभी आपको शाब्दिक अर्थ कन्वर्ट नहीं करना है। क्लियर है? हिंदी में भी जब हम मुहावरे यूज करते हैं, जैसे आस्तीन का सांप,
तो आस्तीन के सांप में यह मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि सांप घुसा हुआ है आस्तीन में, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हम छुपे हुए दुश्मन के लिए यूज कर लेते हैं। तो मुहावरे या इडियम फ्रेजेस का शाब्दिक अर्थ ना लेके कोई नया ही अर्थ लेना है आपको, क्लियर है? जैसा कि मेरा एक नया वर्ड है, इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब अगर आप देखेंगे तो जीवन की शाम, लेकिन ये जीवन की शाम नहीं है, है ना? इसका मतलब ही ये निकलता है, टू बिकम ओल्ड, टू बिकम ओल्ड। अब आप देख पा रहे हैं, आपको दो वर्ड याद हो चुके हैं, टू गो ग्रे और इवनिंग ऑफ लाइफ। इवनिंग ऑफ लाइफ का मतलब हो गया टू बिकम ओल्ड, मतलब वृद्ध हो जाना, वृद्ध हो जाना। अब दोबारा से देखते हैं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो एक मुहावरा मैं आपको और याद करवा रहा हूं यहां से, विंटर ऑफ लाइफ। अगर आप इसका भी शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसका मतलब निकलता है जीवन की सर्दियां। जीवन की सर्दियों का मतलब बिल्कुल भी शब्द से नहीं लेना है आपको, जीवन की सर्दियां या विंटर ऑफ लाइफ आपको वर्ड लेना है, टू बिकम ओल्ड। देखो आप मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे तो आपको शायद ही जल्दी याद होगा, टू बिकम ओल्ड। अब मेरे पास तीन वर्ड आ चुके हैं, तीन इडियम आ चुके हैं, यहां से एक वर्ड मीनिंग याद कर लिया मैंने, ग्रे हेयर जिसको सफेद बाल बोल रहे हैं। दूसरा मेरे पास आ चुका है टू गो ग्रे, जिसका मतलब आप निकाल रहे हैं टू बिकम ओल्ड या वृद्ध हो जाना। दूसरा वर्ड है आपके पास इवनिंग ऑफ लाइफ, जिसका मतलब आप ले रहे हैं टू बिकम ओल्ड। तीसरा आपके पास वर्ड है विंटर ऑफ लाइफ, जिसका मतलब आप ले रहे हैं टू बिकम ओल्ड। अब आप समझ पा रहे हैं कि तीन हमने फ्रेज याद कर ली बस एक ही वर्ड से, कि हमने ग्रे हेयर याद किया, क्लियर है? जहां भी आपको लगे कि मुझे ये लिखना है, आप, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि आप इसको अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं, क्लियर है? अब इसको आगे बढ़ते हैं और दोबारा से नई नई इडियम्स सीखने की कोशिश करते हैं, क्लियर? ये लिख लिया होगा आपने और समझ भी आ गया होगा आपको। हम सेशन फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेशन हमारा चल रहा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। अब आपको एक नया वर्ड याद करवा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट। जिंदगी भर के लिए याद करना है आपको ये, इन ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखते हैं दोस्तों, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन ब्लैक एंड व्हाइट से हम मतलब क्या क्या ले सकते हैं। आप इस बोर्ड को ही देख लो एक बार, आपको ये इडियम वैसे याद हो जाएगी अगर बोर्ड को भी कंसिडर करेंगे। तो बोर्ड तो है व्हाइट और हमने जो लिखा है वो लिखा है ब्लैक मार्कर से। अब इन ब्लैक एंड व्हाइट, समझ पा रहे हैं आप? ये दो तीन बार क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान के कई एग्जाम्स में, इन ब्लैक एंड व्हाइट। बोर्ड है व्हाइट और हम लिख रहे हैं ब्लैक, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब दोस्तों हो गया टू राइट। क्या हो गया दोस्तों? टू राइट। टू राइट का मतलब होता है लिखना। टू राइट का मतलब क्या हो गया? लिखना। टू राइट लिखना, आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, लिखने के लिए आप ये वर्ड यूज करते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर? लेकिन ये हिंदी आपके रेफरेंस के लिए, आपको एग्जाम में इन ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ मिलेगा और यहां आपको ऑप्शन में मिलेगा टू राइट, टू रीड, तो आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है, क्लियर है? अब हमें एक और फ्रेज याद होगी, एक और इडियम याद होगी, टू राइट, क्लियर है दोस्तों? दूसरी बात अगर हम करें तो एक मुहावरा आपको कलर से और याद करवा सकता हूं मैं, इन रेड या इन द रेड, इन रेड और इन द रेड, आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द रेड और इन रेड। अगर इन द रेड की बात करें दोस्तों, है ना, तो लाल, रेड का मतलब होता है लाल, लेकिन यहां लाल का कोई लेना देना ही नहीं है। यहां इन द रेड का मतलब होगा दोस्तों कर्ज, कर्ज में या कर्जे में या उधार में, क्लियर है? कर्ज में, कर्जे में या उधारी में, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इन द रेड। अब इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश वर्ड इसका ध्यान रखना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं इन डेप्ट। आपके लिए शायद ये इन डेप्ट वर्ड भी नया होगा, इन डेप्ट का मतलब भी वही है, इन डेप्ट का मतलब भी वही है, आप कर्ज या उधारी में बात कर रहे हैं। जैसे दीज डेज विजय माल्या इज इन द रेड, अगर हम बात करें कि इन दिनों विजय माल्या जो है वो लाल नहीं है, विजय माल्या इन द रेड है, मतलब इन डेप्ट है, मतलब कर्ज में है। समझ पा रहे होंगे आप, इन द रेड जिसे हम बोल रहे हैं कर्ज में या उधारी में, क्लियर है? दूसरा जो हम वर्ड याद कर रहे हैं वो याद कर रहे हैं ब्लू आइड बॉय, देख पा रहे होंगे आप, आ ब्लू आइड बॉय, आ ब्लू आइड बॉय, आ ब्लू आइड बॉय। ब्लू मतलब नीला, आइड मतलब आंखें, बॉय मतलब लड़का। नॉर्मली तो नीली कलर की आंखें होती नहीं है, लेकिन फिर भी ब्लू आइड बॉय अगर
किसी की आंखें नीली हैं तो वो सबका फेवरेट बन सकते हैं, हम इसको यहां से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें एक और वर्ड याद हो जाता है, ब्लू आइड बॉय, मतलब फेवरेट मैन, फेवरेट बॉय, फेवरेट पर्सन। आप फेवरेट से वर्ड कनेक्ट, फेवरेट मतलब आपका पसंदीदा। अगर आप कहते हैं कि रवि इज माई ब्लू आइड बॉय, तो रवि आपका फेवरेट है। अगर आप कहते हैं कि राकेश इज माई ब्लू आइड बॉय, तो राकेश इज फेवरेट पर्सन। तो आप फेवरेट पर्सन के लिए इस वर्ड को याद कर सकते हैं। कनेक्ट अगर करेंगे तो जिंदगी भर भूलने का सवाल ही नहीं है, एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ब्लू आइड बॉय, नीले कलर की आंखें उसकी, हर किसी की होती नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसकी है तो वो सबका फेवरेट है। क्लियर है? आपको जिंदगी भर के लिए एक और idiom याद होगी। दूसरा वर्ड हम याद करते हैं, केक वॉक। केक वॉक, ध्यान से देखना आपको केक वॉक का मतलब क्या है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो केक वॉक, केक वॉक का मतलब केक पे चलना, कोई बहुत बड़ा टास्क तो होगा नहीं, केक पे चलना। तो केक वॉक को हम कनेक्ट करते हैं इजी टास्क, मतलब ऐसा कोई काम जो बहुत ज्यादा आसान हो, आप कह सकते हैं आसान कार्य। आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? आसान कार्य। तो केक वॉक, इसका मतलब हम ले रहे हैं आसान कार्य, जो काम बहुत ही ज्यादा आसान होगा दोस्तों, उसको हम केक वॉक बोलते हैं। दोबारा से देखते हैं, हम एक और वर्ड देखते हैं, अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले, देख पा रहे होंगे आप इस वर्ड को, अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। अब बच्चों का खेल भी कोई बहुत मुश्किल काम तो होगा नहीं, और उसको भी क्या बोलेंगे आप? इजी टास्क, अ इजी टास्क। समझ पा रहे हैं आप? ये दो वर्ड कनेक्ट कर चुके हैं हम। इजी टास्क के लिए दो idioms याद कर चुके हैं हम। एक idiom है हमारी अ केक वॉक, एक idiom है हमारी अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल और केक पे चलना, और दोनों ही दोनों ही दोनों का ही सेंस निकलता है अ इजी टास्क, इजी टास्क। दोबारा से देखते हैं, रिवाइज या रिकॉल करने की कोशिश करते हैं इसको। idiom phrases टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, सेशन फर्स्ट। इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब टू राइट, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब मैंने आपको बता दिया टू राइट। दूसरा वर्ड है इन द रेड, जिसको आप बोल रहे हैं डेप्ट या कर्ज में। तीसरा वर्ड है आपका ब्लू आइड बॉय, मतलब आप सबका फेवरेट हो, जिसकी आंखें नीली कलर की हो, ब्लू आइड बॉय मतलब फेवरेट पर्सन। दूसरा वर्ड है आपका केक वर्ड, केक वर्ड, केक वॉक, केक वॉक, केक के ऊपर चलना, बहुत बच्चों का रहे, तो दिस इज अ इजी टास्क, अ केक वॉक इज इजी टास्क। दूसरा वर्ड है आपका अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, बच्चों का खेल मतलब इजी टास्क। अब आपको ये 1 2 3 4 5 मुहावरे और याद हो चुके हैं दोस्तों, क्लियर है? दूसरा वर्ड लेते हैं, दूसरा idiom लेते हैं, या इनको मिटाते हैं और लिखते चले आप ये, और कोशिश करें मेरे साथ अगर आप बोल पाए एक मुहावरा और समझने की कोशिश करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, क्या वर्ड है, क्या फ्रेज है? अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट मतलब गाजर, स्टिक मतलब डंडा। अब समझ पा रहे हैं आप, गाजर डंडा पॉलिसी तो कुछ हो नहीं सकती, है तो ये idiom ही है, तो idiom ही। एक्चुअली क्या होता था, मैं आपको इसके पीछे की कहानी सुनाता हूँ, ये idiom कहां से आई होगी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होता था, पहले के लोगों का ये मानना था कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको तो गाजर दे दो, कैरेट दे दो, और जो बेकार काम कर रहे हैं उसको डंडा दे दो, स्टिक दे दो, या छड़ी से मारो उसको। तो ये जो पॉलिसी है ना, कि जो काम करे उसकी प्रशंसा, जो ना करे उसको सजा, इसी पॉलिसी को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी कहते हैं दोस्तों। क्लियर है मेरी बात? तो हम ये बात भी समझ पा रहे होंगे कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब हो गया, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कैरेट मिल रही है, और अगर आप बेकार काम कर रहे हैं तो आपको स्टिक मिल रही है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब इसका मतलब देखेंगे आप तो हमें समझ में आएगा, कैरेट कब मिलेगा आपको? एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड। तो कैरेट का मतलब हो गया रिवॉर्ड, और स्टिक का मतलब हो गया पनिशमेंट। स्टिक का मतलब क्या हो गया? पनिशमेंट। अब मुझे ये वर्ड याद हो चुका है हमेशा के लिए, कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है। ये idiom है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैरेटनिस्टिक पॉलिसी, अगर आप कुछ बहुत ही अच्छा कर रहे हैं तो आपको अवार्ड मिल रहा है या रिवॉर्ड मिल रहा है, और अगर आप बेकार कर रहे हैं तो वो आपको पनिशमेंट मिल रहा है। इट्स अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, क्लियर है दोस्तों? दूसरी बात करते हैं हम, अ क्लोज शेव, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोज शेव। क्लोज शेव, वैसे तो शेव का मतलब आप सब जानते हैं, वो शेविंग वाला वर्ड ही कनेक्ट होता है, लेकिन अ क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, मतलब इतना बचना कि बहुत ज्यादा क्लोज हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नैरो एस्केप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नैरो एस्केप। तो इसको पहले हिंदी में लिख लेते हैं, बाल बाल बचना। हम हिंदी जो लिख रहे हैं ना इसकी, ये आपके केवल रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, बाकी आपके एग्जाम में हिंदी नहीं आएगी, आपके एग्जाम में उसका इंग्लिश वर्जन ही पूछा जाएगा, क्लियर है? ये केवल आप रेफरेंस या आपको याद करने के लिए बातें बताई जा रही है। बाल बाल बचना, हम इसे कह सकते हैं नैरो नैरो एस्केप। नैरो एस्केप का मतलब दोस्तों बाल बाल बचना, बाल बाल बचने का मतलब यही है कि बहुत ज्यादा रिस्क पे थे आप और बाल बाल बचे, इसका मतलब आ क्लोज शेव। आ क्लोज शेव का मतलब भी हो गया बाल बाल बचना, क्लियर है? दूसरा एक मुहावरा है, दूसरा एक idiom है जो मैं याद करवाना चाह रहा हूं आपको, अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ एक idiom है, ये आरएस में पटवार में कई बार पूछा हुआ है, अ डॉग्स लाइफ। डॉग्स लाइफ का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, मजे तो होंगे नहीं इसके, कष्टदायी जीवन, मिजरेबल लाइफ। इसके लिए एक वर्ड आता है दोस्तों जिसको बोलते हैं मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल लाइफ का मतलब हो गया कष्टदायी जीवन। मिजरेबल लाइफ का मतलब क्या हो गया? कष्टदायी जीवन, कष्टदायी जीवन। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, हिंदी केवल रेफरेंस के लिए, आपको कनेक्ट इसी इंग्लिश वाले वर्जन से करना है। अ डॉग्स लाइफ का मतलब आपको निकालना है, मिजरेबल लाइफ क्या निकालना है दोस्तों? मिजरेबल। अब मिजरेबल का मतलब होता है कष्टदायी या परेशान या दुखदायी। अब अगर मैं मिजरेबल को याद करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि आपको दो तीन फैक्ट मिजरेबल से रिलेटेड बताऊं, क्लियर? इंग्लिश में वर्ड है मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल मतलब कष्टदायी। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको माइजर बोलते हैं, ये idiom phrases के अलावा बात कर रहे हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं? माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब इस दुनिया में सबको ये डाउट है कि माइजर और मिजरेबल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक ही लेना देना नहीं है। माइजर मतलब होता है कंजूस, कंजूस मतलब जो पैसा नहीं खर्च करता हो, और मिजरेबल का मतलब होता है जो दुख में हो। क्लियर है मेरी बात सभी को? इन दोनों वर्ड्स का ये यहां तक तो सेम है, हमें लगता है कंजूसी को रिलेट करेगा लेकिन बिल्कुल गलत है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा ये बात, मिजरेबल का मतलब होगा कष्टदायी और माइजर का मतलब होगा कंजूस, दोनों का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, है ना? अब एग्जाम में जरूरी नहीं है आपको डॉग्स लाइफ की जगह मिजरेबल लाइफ ही वो देगा, आपको पेनफुल लाइफ भी वो दे सकता है या आपको कष्टदायी जीवन भी वो दे सकता है, कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपको, आपको तो वर्ड को समझना है, पेनफुल मतलब दर्दनाक जीवन या कष्टदायी जीवन। मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों वर्ड याद हो गए होंगे आपको। फर्स्ट वर्ड वॉज अ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं आपको कैरेट मिल रहा है, अगर आप गंदा काम कर रहे हैं तो आपको स्टिक, मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, क्लियर है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लोज शेव, मतलब बाल बाल बचना, इसी को हम नैरो एस्केप बोल रहे हैं। दूसरा वर्ड है डॉग्स लाइफ, मिजरेबल लाइफ, मिजरेबल मतलब पेनफुल लाइफ, पेनफुल लाइफ मतलब कष्टदायी जीवन। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, कंजूसी से इसका दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है? मिजरेबल आप इस वर्ड को बिल्कुल अलग ही मार्क करके रखेंगे जिसका मतलब कंजूस है। जब हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, जब हम सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ध्यान से कि ये क्या होता है कंजूस, क्या नहीं होता है, ये सब आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, सारे के सारे वर्ड आपको रूट वर्ड से कनेक्ट करवा के याद करवाऊंगा, कोशिश यही रहेगी। याद हो गए होंगे अ डॉग्स लाइफ मतलब क्या होगा और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब क्या होगा, बस इनको लिखते चलें आप और कोशिश करें मेरे साथ में, अगर आप बोल पा रहे हैं तो बोलने की भी कोशिश करें, बार बार आप बोलें इन वर्ड्स को, समझने की कोशिश करें। अब बढ़ते हैं आगे और दोबारा से देखते हैं, अब एक बहुत बढ़िया मुहावरा मैं आपको बताता हूं, आ क्लोज्ड बुक, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है आ क्लोज्ड बुक। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश, आप अगर इसको बार बार रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, अपने आप याद होने लग जाती है। अ क्लोज्ड बुक,
अ क्लोज बुक। अब दिख रहा होगा आपको क्लोज मतलब होता है बंद। आपको इडियम एंड फ्रेजेस में वर्ड्स को जस्ट जस्ट कनेक्ट करना है, मतलब आपको किसी ना किसी तरीके से उसको जोड़ के रखना है। अगर आप जैसे और इंस्टीट्यूट्स में जैसे आपको मिलती हैं पीडीएफ मिल गई या प्रिंटेड मिल गई और आपको बोला कि इनको याद करो, तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर पूरा के पूरा फ्रेज को या इडियम को अगर आप कनेक्ट कर करके याद कर रहे हैं ना, जैसे मैं इसका कनेक्शन आपको बताता हूँ। अ क्लोज बुक का मतलब होता है बंद किताब। अब अगर किताब बंद है तो ये उजागर है या रहस्य है, तो मुझे लगता है कि रहस्य है ना। अब क्लोज बुक का मतलब होता है अ मिस्ट्री। क्या वर्ड होता है? मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य। अब अगर आप फोकस कर पा रहे हैं तो अ क्लोज बुक जिसको आपने किससे सेंस कर लिया, मिस्ट्री से। मिस्ट्री मतलब रहस्य, मिस्ट्री मतलब रहस्य। क्लियर है? ये तो सबको समझ में आ गया होगा। क्लोज बुक अगर किताब बंद है, अगर किताब बंद है तो इसका सेंस क्या निकलेगा, मिस्ट्री या मिस्ट्री या रहस्य। आप इसको बोल सकते हैं मिस्ट्री या रहस्य। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब उसके बाद में एक वर्ड है आ ग्रीन हॉर्न। कई बार पूछा हुआ वर्ड है आ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब होता है हरा। हॉर्न मतलब सींग है। वैसे तो हॉर्न के कई मतलब हैं, हॉर्न सींग से भी है, हॉर्न गाड़ियों में भी आता है, लेकिन हमें यहां इडियम कनेक्ट करनी है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है बिल्कुल नौसिखिया, जो नवाइस होते हैं, बिल्कुल ग्रीन, मतलब अभी तक तो उसका कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं नोवाइस। ये वर्ड हम चाहें तो इसको इजी बात भी कर सकते थे, यहां मैं नौसिखिया लिख दूं, लेकिन आपके एग्जाम में नौसिखिया नहीं आएगा, आपके एग्जाम में नोवाइस ही आएगा। क्लियर है? इसको भी याद कराऊंगा मैं आपको। इसको भी कैसे याद करना है आपको, नौसिखिया। तो नौसिखिया वो हो गया जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस लेस या इनएक्सपीरियंस्ड, आपको एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है इनएक्सपीरियंस। देखो यार ये जो नो वर्ड होता है ना, नो, NOV, ये पूरी इंग्लिश में न्यू को कनेक्ट करता है। NOV, मैं आगे इसको रूट वर्ड में कनेक्ट करूंगा। ये जो नो वर्ड होता है ना, ये नए के लिए होता है, न्यू के लिए, है ना। तो नोवाइस का मतलब दोस्तों नौ सीखे है। नोवाइस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, नौ सीखिया या बिल्कुल इनएक्सपीरियंस, मतलब जिस बंदे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो नोवाइस है। क्लियर है? दूसरा आपका वर्ड है आ फ्लाइंग विजिट। आ फ्लाइंग विजिट, देख पा रहे होंगे आप, फ्लाइंग फ्लाइंग आपने सुना होगा। फ्लाइंग का मतलब वो एग्जाम में भी आ जाती थी, फ्लाइंग व्लाइंग जो होती है इनको फ्लाइंग बोलते हैं। अब फ्लाइंग विजिट का मतलब है ऐसे उड़ती उड़ती विजिट आ गई, ऐसे कनेक्ट कर ले आप। इस फ्लाइंग विजिट का मतलब हो गया आ शॉर्ट विजिट। आ शॉर्ट विजिट, बहुत ध्यान से सुनते हैं अपन। फ्लाइंग विजिट का मतलब हो गया दोस्तों शॉर्ट विजिट। ऐसी शॉर्ट विजिट, मतलब शॉर्ट विजिट का मतलब है कि थोड़े से टाइम के लिए आपके आई हो। क्लियर है दोस्तों? दूसरा वर्ड लेते हैं अपन अ गुड सैमरिटन। कई बार पूछा हुआ वर्ड है अ गुड। अ गुड सैमरिटन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक सेकेंड, अ गुड सैमरिटन वर्ड है अ गुड सैमरिटन। अब गुड सैमरिटन का मतलब क्या है, गुड से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि गुड का मतलब होता है अच्छा, सैमरिटन का मतलब होता है हेल्पफुल पर्सन, मतलब आपका जो मदद करता हो, आपकी जो मदद करता हो उसको गुड सैमरिटन बोलते हैं। तो इसे आप दोस्तों लिख सकते हैं हेल्पफुल पर्सन, मतलब आपकी जो मदद कर रहा हो उसको आप बोल सकते हैं अ गुड सैमरिटन, मतलब आपकी मदद करने वाला व्यक्ति। क्लियर है? याद हो गया होगा सबको ये वर्ड तो। अ क्लोज बुक मिस्ट्री मतलब एक रहस्य, दूसरा वर्ड है ग्रीन हॉर्न जिसका मतलब है नोवाइस नौसिखिया, फ्लाइंग विजिट मतलब आ शॉर्ट विजिट, दूसरा वर्ड है आपका अ गुड सैमरिटन मतलब बहुत ही अच्छा आदमी या बहुत अच्छा मददगार व्यक्ति, उसको आप बोलते हैं गुड सैमरिटन। क्लियर दोस्तों? एक मुहावरा और याद करवा सकता हूं मैं आपको यहां से, जिसे हम बोलते हैं बेकर्स डजन। बेकर्स डजन, अब आप कहेंगे सर इसमें क्या कनेक्शन है, इसको भी कनेक्ट करेंगे हम बेकर्स डजन को। देख पा रहे होंगे आपको, नॉर्मली देखा जाए तो डजन में होते हैं 12, डजन में 12 नंबर। अगर बेकर्स की बात करें तो कहा गया है, ये रशियन फ्रेज है, बेकर्स डजन का मतलब है जिनकी संख्या 13 हो, 13 इन नंबर। आप बिल्कुल इसको समझेंगे, 13 इन नंबर, संख्या में 13। बेकर्स डजन का मतलब संख्या में 12 नहीं है, वो तो अकेला डजन ही बहुत है उसके लिए,
अगर बेकर्स वर्ड और जोड़ रहे हैं, मतलब एक वर्ड और जोड़ रहे हैं बेकर, तो आपने कनेक्ट कर लिया 13 इन नंबर, मतलब संख्या में 13। मुझे वर्ड याद हो गया हमेशा के लिए, संख्या में 13 मतलब बेकर्स डजन। क्लियर हो गई होगी ये बात। अ क्लोज बुक आपको समझ में आ ही चुका है, क्लोज बुक का मतलब हो गया मिस्ट्री। अ ग्रीन हॉर्न मतलब नोवाइस या नौसिखिया। उसके बाद वर्ड लिया आपने अ फ्लाइंग विजिट, अ शॉर्ट विजिट मतलब बहुत छोटी सी विजिट। दूसरी है गुड सैमरिटन, गुड सैमरिटन मतलब हो गया हेल्पफुल पर्सन। दूसरा वर्ड अगर हम देखें तो बेकर्स डजन, जिसको हम बोल रहे हैं 13 इन नंबर। क्लियर। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, बहुत बढ़िया वर्ड है अंटिल। काउज, अंटिल काउज कम, देख रहे हैं आप, अंटिल काउज कम, अंटिल काउज कम। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका जिसको हम बोल रहे हैं डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स, देख पा रहे हैं आप, अंटिल काउ कम्स एंड डंकीज ईयर्स। दोस्तों इनको पढ़ के देखते हैं, इन दोनों से दोनों में इंटरेस्टिंग क्या है, दोनों मैंने एक साथ क्यों लिखे हैं। अंटिल काउज कम, पहले देखा होगा आपने कि गाय जाती थी बाहर और गाय लौटती थी बहुत लंबे टाइम बाद, शाम को, शाम के टाइम। तो अंटिल काउज कम या डंकीज ईयर, डंकी के बारे में या डोंकी के बारे में आपने सुना होगा, ये वैसे ही बहुत ढीला आदमी है, मतलब ढीला जानवर है, और डोंकी मतलब गधा, और गधे के साल मतलब बहुत धीरे धीरे काम करेगा। तो हम इन दोनों idioms को कनेक्ट करते हैं, अंटिल काउज कम और डोंकीज ईयर्स को, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा समय, बहुत ही लंबा समय में दो फ्रेजेस याद करनी है आपको, एक तो अंटिल काउज कम और एक डोंकीज ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है अंटिल काउज कम और डोंकीज ईयर। क्लियर। दूसरा वर्ड याद करते हैं, एंड्स इन पैंट्स, एंड्स इन पैंट्स, एंड का मतलब दोस्तों जानते हैं आप, चींटी होती है, अगर पैंट में आपके चींटी आ जाए, इमेजिन करना है बस आपको, अगर आपके पैंट में चींटी आ जाए, एंड्स इन पैंट हो जाए आपके, तो मजा तो आएगा नहीं। तो इसको कनेक्ट किससे करना है आपको, रेस्टलेस से, मतलब बेचैन से, रेस्टलेस हो जाएंगे आप, बेचैन हो जाएंगे, मतलब एंजाइटी मान सकते हैं आप, या रेस्टलेस मान सकते हैं, या बेचैन मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। एंड्स इन योर पैंट्स बोल लें या एंड्स इन पैंट्स बोल लें, और दोनों के मतलब आप दोस्तों क्या निकालेंगे, एंड्स इन पैंट्स या एंजाइटी या मतलब परेशानी या रेस्टलेस होना, इनको बोल सकते हैं आप एंड्स इन पैंट्स। दूसरा वर्ड देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसे हम कह रहे हैं कैटनैप, 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 क्लियर है, कैटनैप, कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली, नैप मतलब नींद, मतलब नींद। अब कैट और नैप दोनों को ऐसे आपको इंटरकनेक्ट करना है, कैट मतलब बिल्ली और नैप मतलब नींद। अब कैट नैप का मतलब कई बार पूछा हुआ है वर्ड, अ शॉर्ट स्लीप इन नून, मतलब बहुत ही छोटी नींद जो आपने दोपहर को ली हो, उसको बोल रहे हैं आप कैट नैप, अ शॉर्ट स्लीप इन नून। अब बढ़ते हैं आगे और दोबारा देखते हैं एक और वर्ड, बेल द कैट। ये दो वर्ड याद कर लेते हैं हम कैट से, बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसको हिंदी में कह सकते हैं आप। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधना कोई बहुत इजी काम तो होगा नहीं, मतलब बिल्ली तो कहीं भी कूद सकती है, तो बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, रिस्की, अ रिस्की टास्क, बहुत ही जोखिम भरा कार्य, अ रिस्की टास्क, इसको क्या बोलना है दोस्तों आपको, अ रिस्की टास्क, अ रिस्की टास्क, रिस्की टास्क, उसको बोल रहे हैं आप बेल द कैट। क्लियर है। अब एक और वर्ड, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, ठीक है दोस्तों, ब्रेक द आइस। अब आइस मतलब बर्फ और ब्रेक मतलब तोड़ना, अगर मैं इसको देखूं ब्रेक द आइस को तो बर्फ तोड़ना, अब लेकिन बर्फ तोड़ना नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं idioms, तो ब्रेक द आइस का मतलब, ब्रेक द आइस का मतलब हो गया दोस्तों टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, क्या मतलब हो गया, टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, और टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन का मतलब हो गया बातचीत प्रारंभ करना। आप ब्रेक द आइस से क्या सेंस निकालेंगे, टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत प्रारंभ करना, बातचीत प्रारंभ करना, टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन को आप क्या बोल रहे हैं, ब्रेक द
आइस, दोबारा से देखते हैं सारी फ्रेज, अंटिल काउस कम और डोंकीज ईयर्स, मैंने इसको कनेक्ट करवाया था आपको कि आपने बहुत लंबे टाइम के लिए दोनों से कनेक्ट कर लिया, वेरी लॉन्ग टाइम। दूसरा वर्ड था आपका एंड्स इन पैंट्स, एंड्स इन पैंट, पैंट में आपकी चींटियां हैं, मजा तो आएगा नहीं, रेस्टलेस, इसको क्या कनेक्ट कर रहे हैं आप, रेस्टलेस। दूसरा वर्ड है आपका कटनैप, कटनैप, कैटनैप, कैटनैप का मतलब हो गया आपका अ शॉर्ट स्लीप इन नून, मतलब दिन में कम समय के लिए या छोटी सी एक नींद लेना, दैट इज कैट स्लीप, कैटनैप। दूसरा वर्ड है बैल द कैट, बैल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, और इसको आपने किससे कनेक्ट कर लिया, अ रिस्की टास्क। दूसरा वर्ड है आपका ब्रेक द आइस, अगर बर्फ तोड़ रहे हैं आप तो इसको किस सेंस में ले रहे हैं आप, टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, मतलब आप बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है। दूसरा वर्ड देखते हैं, बढ़ते हैं आगे समझ पा रहे होंगे आप, ये लिखते भी जा रहे होंगे और मेरे साथ साथ आप कोशिश करें बोल भी पाए इसको, क्लियर। हम बार बार इनको पढ़ रहे हैं, दो बार तीन बार आप वीडियो देखें और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दूसरा वर्ड लेते हैं हम एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ध्यान से सुनना आप दोस्तों, तीन वर्ड याद करवाऊं आपको इससे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्लियर। एप्पल मतलब तो जानते होंगे आप, सेव है ना, लेकिन सेव तो नहीं आएगा क्योंकि हम इडियम्स पढ़ रहे हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड क्या होता है, एक बार डिस्कॉर्ड वर्ड को अगर आपने पढ़ लिया ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अगर डिस्कॉर्ड वर्ड को आपने कनेक्ट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो यार, एक वर्ड होता है इंग्लिश में कॉर्डियल, कॉर्डियल, ठीक है, कॉर्डियल का मतलब होता है अच्छे रिलेशनशिप, सौहार्द है ना, गुड रिलेशनशिप, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड है कॉर्ड है ना। अब ये जो कॉर्ड है इसी वर्ड को मैंने यहां कनेक्ट कर लिया डिस्कॉर्ड, क्लियर है। अगर कॉर्ड का मतलब गुड रिलेशन है या इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, तो डिस्कॉर्ड का मतलब कलह या लड़ाई है, क्लियर है। कॉर्ड का मतलब अगर पॉजिटिव सेंस निकलता है तो आपको पता होगा एंटोनिम में पढ़ेंगे हम कि डिस जो वर्ड है वो एक्चुअली नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, तो ये कलह या लड़ाई होगी, क्लियर है। अब डिस्कॉर्ड यहां भी आ गया, और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है फसाद की जड़ है ना, फसाद की जड़, अगर इसको हिंदी में देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा फसाद की जड़, मतलब अब फसाद की जड़ क्या हो गया, फसाद की जड़ हो गया रूट कॉज ऑफ फाइट या रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, रूट कॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि ये फसाद की जड़ है, क्लियर दोस्तों। दूसरा वर्ड हम पढ़ते हैं बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश, बुश मतलब झाड़ी, बीट मतलब पीटना, झाड़ियों को पीट रहे हैं आप, कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, आप फालतू ही काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं गोल मोल की बातें करना, बीट अबाउट द बुश, गोल मोल बातें करना, इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बुश, गोल मोल बातें करना, क्या मतलब निकला दोस्तों इसका, बीट अबाउट द बुश, गोल मोल बातें करना, गोल मोल बातें करना, टू टॉक इन राउंड मैनर, इसका मतलब क्या निकाला आपने, टू टॉक इन राउंड मैनर, टू टॉक इन राउंड मैनर मतलब गोलमोल बातें करना, इधर उधर की बातें करना, जिनका कोई मतलब ही ना निकलता हो, उसको बोलते हैं हम बीट अबाउट द बुश। समझ में आ गया होगा आप दोस्तों आपको, ठीक है। यहां हम अपना सेशन खत्म कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन जो हमारा था ईडियम्स को लेके, मतलब ईडियम्स को कनेक्ट करते हुए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि हमारे जो सेशंस है वो एक एक करके होंगे, जैसे पहले हम ईडियम्स पढ़ रहे हैं जो हमने स्टार्ट किया, जिसके हमने बात की कि इतने सेशंस होंगे, दूसरी बात हमने की है कि हम एंटोनिम सिनोनिम्स होंगे, दूसरी फिर हमने बात की कॉमन एरर्स होगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होगा, पहले हम पटवार से रिलेटेड जितना भी इंग्लिश में कंटेंट है वो सारा कोशिश करूंगा आपको यही याद करवाने की, क्लियर है। ग्रामर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि दो बातें हैं कि ग्रामर का तो कोई अंत नहीं है, ग्रामर की चाहे तो आप 500 भी अगर क्लासेस रखेंगे तो वो भी कम लगेगी, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चाहिए वो सारा मैटर है, और वो भी सारी कंटेंट डिलीवरी हम आपको यहाँ से करवाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि बाकी के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एज इट इज, क्लियर है। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले सेशन में।